बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरदार नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज डिस्ट्रिक्ट 3 इस्लामाबाद। टुडे इट इज़ आवर लेक्चर नंबर 30 फॉर क्लास 7 ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम जो है वो 5th चैप्टर पर हैं। चैप्टर का टाइटल है फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है उसको डिस्क्लोज करने से पहले, इस चैप्टर में हमने जो पहले बातें डिस्कस की हैं उनका थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। ये चैप्टर है मुगल एम्पायर के हवाले से, और आई हैव टोल्ड यू दैट ज़हीरुद्दीन बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर हु आफ्टर डिफीटिंग सुल्तान इब्राहिम लोदी in 1526 in the historical battle of Panipat, he became the king of subcontinent and he established the Mughal Empire in subcontinent. और इसके बाद तकरीबन 3.5 हंड्रेड ईयर तक मुग़ल जो है वो इंडिया पर रूल करते रहे थे। बाबर जो है ही बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से वो पहले काबुल अफगानिस्तान में आया, और वहाँ से उसने इंडिया पर हमला किया और यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी। फाउंडेशन बाबर ने की और लिटिल बिट कंसोलिडेशन भी, और उसके बाद आने वाले जो 6 ग्रेट मुग़ल रूलर थे उन्होंने एम्पायर को कंसोलिडेट किया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द रूल ऑफ शेर शाह सूरी। इसका ये लेक्चर नंबर 30 है। इसका टेक्स्ट जो है पेज 77, 78 और 79 के पर है आपकी टेक्स्ट बुक के। स्टूडेंट, इसका टेक्स्ट रीड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुगल जो है वो रूल करते रहे 1526 से लेकर 1857 तक सब कॉन्टिनेंट पर, लेकिन इस दौरान एक ऐसा पीरियड था 15 ईयर्स का, 1540 से लेकर 1555 तक, जब मुग़ल की यहाँ सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत नहीं थी, बल्कि उस वक्त एक पख्तून रूलर था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, वो रूल करता रहा। उसने मुग़ल से जो ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था हुमायूं, उससे उसने जो है वो बैटल्स के बाद यहाँ का थ्रोन छीन लिया, और इसके बाद वो रूल करता रहा। ही वॉज अ लेजेंड ग्रेट रूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ही वॉज आई एम टॉकिंग अबाउट शेर शाह सूरी, अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, अ मिलिट्री जीनियस आदमी था वो, और एक बड़ा कमांडर होने के साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छा था। किसी वॉरियर के लिए मिडल एज में, एंशंट एज में, इवन के मॉडर्न एज में जो वॉरियर होते थे उनके लिए ज़रूरी होता था कि ये एडिशनल कैपेबिलिटी होती थी, एबिलिटी उनकी, कि वो अच्छे वॉरियर होने के साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हों। तो शेर शाह सूरी ना सिर्फ वॉरियर अच्छा था बल्कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। आज उसके बारे में हम रूल करेंगे सॉरी आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट पढ़ते हैं पेज 77 पर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये टेक्स्ट जो है वो इस टॉपिक से रेलिवेंट है, इस वजह से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। शेर शाह का टॉपिक आगे आएगा। रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 1530 टू 1556, लेकिन इसमें वो पीरियड शामिल नहीं है 15 ईयर का। एडी एज ए मुगल रूलर ऑफ इंडिया, हुमायूं रूल ट्वाइस फ्रॉम 1530 टू 1540 एंड देन अगेन फ्रॉम 1555 टू 1556। सम हिस्टोरियन व्यूज हुमायूं एज अ वीक रूलर बिकॉज ड्यूरिंग हिज टाइम सम इंडियन रूलर सीज द अपॉर्चुनिटी एंड डीथ्रोन हुमायूं फॉर मोर देन अ डेकेड। शेर शाह सूरी वाज वन ऑफ दोज चैलेंजर्स टू हुमायूं रूल। बाबर के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं जो उसका बेटा था उसने
बाबर के चार बेटे थे, उनमें से एक नसीरुद्दीन हुमायूं था जो बड़ा बेटा था। वो रूलर बना लेकिन वो एक वीक रूलर साबित हुआ। उसको बहुत सारे चैलेंज दरपेश थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी ने 1539 और 1514 में दो वार में, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, उसको शिकस्त दी और इसको डीथ्रोन कर दिया। डीथ्रोन का मतलब होता है तख्त से हटा दिया, पावर उससे छीन ली। और हुमायूं मोर देन अ डेकेड, डेकेड 10 साल को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 41 से लेकर 50 तक एक डेकेड हो गया, तो मोर देन अ डेकेड यानी कि 1.5 डेकेड कह रहे हैं। हुमायूं जो था वो यहाँ नहीं था। चैलेंजेस टू हुमायूं रोज, शेरशाह ऑफ पख्तून सुर ट्राइब रोज अगेंस्ट हुमायूं इन 1539 एंड इन 1540 AD। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं बोथ द टाइम्स इन द बैटल एंड फाउंडेड द सूरी एम्पायर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। हुमायूं नॉट ओनली लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द एम्पायर बट ही हैड आल्सो लॉस्ट द थ्रोन। Consequently, in 1540 AD, Hamayun had to go into the forced exile and Shirshah Suri occupied the throne of Delhi. 1539 में चौसा में, चौसा एक इंडिया में जगह है, वहां पर फर्स्ट बड़ी बैटल हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान लड़ी गई। शेरशाह कौन था? शेरशाह सूरी पख्तून ट्राइब था, सुर उससे ताल्लुक रखता था और साथ ये बाबर की फौज में कमांडर भी था। बाबर की फौज में और बड़ा कैपेबल कमांडर था। हिज रियल नेम वाज फरीद खान, फरीद खान इसका असल नाम था। और कहा जाता है कि उसने एक दफा एक लायन को, शेर को जो है वो अकेले किल किया, जिसकी वजह से उसका नाम शेरशाह पड़ गया था। हिस्टोरियन ये बताते हैं कि बाबर ने हुमायूं को पहले खबरदार किया था कि इस शख्स से तुमने होशियार रहना है। ये बिहार का गवर्नर भी था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, शेरशाह की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसने देखा कि हुमायूं एक वीक रूलर साबित हो रहा है, तो उसने सब कॉन्टिनेंट पर, मुगल इंडिया के ऊपर अपनी एम्पायर कायम करने की कोशिश की, जो कि कामयाब रही। 1539 में पहली बड़ी बैटल हुई, जिस चौसा एक प्लेस का नाम था, वहाँ बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं वाज डिफीटेड एंड शेरशाह सूरी वाज विक्टोरियस। आफ्टर 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर, इन 1540 कन्नौज एक जगह इंडिया में, वहाँ पर दूसरी बैटल हुई और ये डिसाइसिव बैटल थी, जिसमें हुमायूं को वो हारने के बाद यहाँ से भागना पड़ा, सेल्फ एग्जाइल के ऊपर, फोर्स एग्जाइल के ऊपर जाना पड़ा। हुमायूं यहाँ से भागता हुआ सिंध की तरफ गया। वहाँ एक जगह अमरकोट है, जिसको आजकल मिस प्रोनाउंस किया जाता है, उमरकोट कहा जाता है। वहाँ पर अकबर पैदा हुआ, उसका बेटा जो। फिर हुमायूं जो था वो भागकर ईरान चला गया। ईरान का शाह तहमासप जो था, उसके साथ उसके ताल्लुक थे, तो उसने उसको सपोर्ट किया। तो ये दो बड़ी बैटल याद रखनी है, 1539 में चौसा की बैटल और 1540 में कन्नौज की बैटल। दोनों बैटल में शेरशाह सूरी वाज विक्टोरियस एंड हुमायूं लॉस्ट हिज एम्पायर। शेरशाह सूरी का टाइटल आगे है, जो हमारा आज का असल, ये तो उसका बैकग्राउंड था कि शेरशाह सूरी कैसे जो है वो इक्तदार में आया सब कंटिनेंट पे। द रूल ऑफ शेरशाह सूरी 1542-1545, 5 साल का तकरीबन रूल है इसका। लेकिन इसकी फैमिली का, इसकी डायनेस्टी का रूल फर्दर 10 ईयर है। इसके बेटे जो है वो रूल करते रहे फर्दर 10 ईयर, 1540 से 1545 तक। ये शेरशाह सूरी का अपना जो है, शेरशाह सूरी जब हुक्मरान बना तो ये एजड पर्सन था। ये खुद कहा करता था कि मुझे बहुत लेट जो है वो हुकूमत मिली है, और अगर जल्दी मिलती तो मैं सब कॉन्टिनेंट की तकदीर बदल देता।
वो तकरीबन ठीक कह रहा था, क्योंकि उसने 5 साल के मुख्तसर अरसे में जो रिफॉर्म्स की वो बड़ी विजिबल रिफॉर्म थी, टेंजिबल रिफॉर्म थी। उसको आज भी हिस्टोरियन जो है वो याद करते हैं। मैं टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ। ऑल्दो शेरशाह सूरी रूल डिड नॉट लास्ट मोर देन 5 ईयर्स, बट हिज रेन प्रूव टू बी अ माइल स्टोन इन द एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हेयर इज ग्लांस एट सम ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट। शेरशाह सूरी जो था उसने सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट में, कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हम बयान करते हैं तो शेरशाह सूरी का नाम लिए बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ही वॉज सच अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ये बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मैं ये पढ़ रहा हूँ। शेरशाह हैड ए नंबर ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट हिम इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उसने बहुत सारे मिनिस्टर अपने रखे और उनको स्पेसिफिक टास्क दे दिए, पोर्टफोलियो दे दिए, पोर्टफोलियो उनमें डिवाइड कर दिए, वर्क डिवाइड कर दिया। शेरशाह सूरी एम्प्लॉयड अ पावरफुल आर्मी। लॉज एंड ऑर्डर इन द किंगडम वाज इम्प्रूव्ड बाय स्ट्रिक्टली डीलिंग विद डकैट्स एंड थीव्स। लॉ एंड ऑर्डर उसने बहुत बेहतर किया, और डाकू चोर जो थे हु आर द थ्रेट्स फॉर द किंगडम एंड द कॉमन पीपल एज वेल, उसको उसने सख्ती के साथ मिलता। द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडर ऑन रोड इन्हांस ट्रेड एंड कॉमर्स इन द एम्पायर। रोड के ऊपर जब ट्रेडर की और तजारत करने वाले लोग जो थे और कॉमन पीपल, उनकी प्रोटेक्शन की गई शेरशाह सूरी के दौर में, तो उससे तजारत भी बढ़ी, तजारत में इजाफा हुआ। सेकेंड वन, ही सेट अप अ सिंपल टैक्स कलेक्शन सिस्टम। ही अबॉलिश द ओल्ड एंड मिक्स्ड मेटल करेंसी एंड इंट्रोड्यूस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। टैक्स सिस्टम में उसने रिफॉर्म लाए और उसको सिंपल किया, बेहतर किया उसको। जो ओल्ड कुछ टैक्स थे वो ख़त्म किए। इसके अलावा उसने मेटल की जो करेंसी थी उससे पहले जो मिक्स करेंसी थी उसको ख़त्म करके गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स उससे पहले चल रहे थे वो रिस्टोर किए। और ये जो हमारी करेंसी है रुपया, ये करेंसी का नाम जो है वो शेरशाह सूरी ने ही दिया था। उसकी करेंसी का नाम रुपया था। द लैंड टैक्स ऑन पेजेंट्स वर लेविड अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। यूनिफॉर्मली टैक्स नहीं लगाया पेजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर, बल्कि इनकम के हिसाब से लगाया। तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी टैक्स भी ज़्यादा होगा, उसकी रेशो ज़्यादा होगी। जिसकी इनकम कम होगी उसका टैक्स भी कम होगा। लेटर द ब्रिटिश आल्सो अडॉप्टेड दिस सिस्टम। इस सिस्टम को बाद में ब्रिटिश ने भी कॉपी किया और इवन के मुगल ने भी कॉपी किया। इंटरनल ट्रेड टैक्सेस वर अबॉलिश्ड। जो मुल्क के अंदर ट्रेड थी उसके ऊपर जो टैक्स थे उसको ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश नहीं ख़त्म करना। नुमेरियस सिविल वर्क्स वर कैरिड आउट इंक्लूडिंग प्लांटिंग ऑफ ट्री, वेल्स एंड बिल्डिंग ऑफ सराय इन्स फॉर ट्रेवलर्स। सराय जो है ये होटल टाइप होता है मेन रोड के ऊपर, जहाँ मुसाफिर जो है खाना खाते हैं, क्याम करते हैं। तो उसने रोड्स के इर्द गिर्द ट्री प्लांटेशन भी करवाई, वेल्स भी खुदवाए ताकि पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर सराय भी बहुत सारी जो है उसने ट्रेवलर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करवाई। एक उसका और माइलस्टोन जो था वेरी इम्पोर्टेंट रोड्स के हवाले से, ही वॉज वेरी टची, वेरी कंसर्न अबाउट द रोड्स। और उसने बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त जो इंडिया था, हिंदुस्तान था, उसने रोड समय करवाए, जिसमें एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। रोड्स वर लेड, इट वाज अंडर हिज रूल दैट द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम दिल्ली टू काबुल वाज रिबिल्ट। जीटी रोड जिसको कहते हैं हम, जीटी रोड, उसका आज का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। जनरली हम जब यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं, एक मोटरवे का है रास्ता, एक जीटी रोड का है। तो ये जीटी रोड उस वक्त शेरशाह सूरी के दौर में काबुल, बल्कि पहले मुगल के दौर में काबुल से जो है वो दिल्ली जाया करती थी। तो शेरशाह
शाह सूरी ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, रीबिल्ड किया, और ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेर शाह सूरी के नाम से जो कही जाती है कि ही वॉज द रियल इनिशिएटर ऑफ दैट। इसके किनारे जैसे ट्री प्लांटेशन करवाई, सराय बनवाए, वेल्स जो है वो खुदवाए, ये इसका बहुत बड़ा कारनामा था। कि उस दौर में जब ये प्रेजेंट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन रोड्स की अहमियत उस वक्त भी थी कि उस वक्त रोड जो कंस्ट्रक्ट होते थे उसके आसपास जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। तो ये जीटी रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट पेज 12। शेर शाह सूरी कंटिन्यू टू इंक्रीज हिज पावर इन इंडिया विद ईच पासिंग डे। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलंजर फोर्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन May 13, 1545। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन जलाल खान हु टुक द टाइटल ऑफ इस्लाम शाह सूरी। हिज सक्सेसर्स हाउएवर प्रूव टू बी वीक एंड इनकैपेबल रूलर्स। द मुगल वर एबल टू री एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। शेर शाह सूरी जो था उसने हर गुजरते दिन के साथ अपनी पावर में इजाफा किया। ही फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ इंडिया जो उसके जिस जिसने उसको चैलेंज किया उसने उसके खिलाफ फाइट की। आखिरकार बदकिस्मती से कलिंजर का जो फोर्ट था जो यूपी में उत्तर प्रदेश में था वो उसमें वो फतह नहीं हो रहा था। तो शेर शाह सूरी ने हुक्म दिया कि इसकी जो वॉल्स हैं इनके साथ गन पाउडर बारूद जो है वो इंस्टॉल किया जाए और उसको आग लगा दी जाए। तो वो बारूद जो था वो जब फटा तो उसमें खुद शेर शाह सूरी भी शदीद जख्मी हो गया और 13 मई 1545 को उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका बेटा जलाल खान जिसने अपना टाइटल इस्लाम शाह सूरी जो है वो लिया वो बना, लेकिन उसके सक्सेसर उसके जानशीन इतने कैपेबल नहीं थे कि इतनी बड़ी एम्पायर को हैंडल कर सकते वो। इस वजह से हुमायूं जो था वो शाह तहमासप ऑफ ईरान पर्शिया प्रेजेंट डे ईरान है, 1935 में ईरान का पर्शिया का नाम चेंज करके ईरान रखा गया 1935 में, इससे पहले पर्शिया कहलाता था। तो पर्शिया का किंग जो था शाह तहमासप वन उसने हुमायूं को सपोर्ट किया। हुमायूं ने पहले लाहौर को फिर दिल्ली को और आगरा को कैप्चर किया और 1555 में हुमायूं जो था वो दोबारा अपनी एम्पायर को हासिल करने में कामयाब हो गया। लेकिन बदकिस्मती से वो भी अ फ्यू मंथ लेटर अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर से सीढ़ियों से गिरा और उसकी डेथ हो गई। जब हुमायूं की डेथ हुई तो उसका ओनली 13 ईयर ओल्ड सन अकबर जो अमरकोट सिंध में पैदा हुआ था और जिसकी ब्रॉटअप जो है वो हुई थी ज़्यादातर काबुल में इधर अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर जो वो जो था 13 ईयर का वो उसका बेटा अकबर वो रूलर बना जो बाद में चल के ग्रेट मुगल रूलर साबित हुआ। नॉट ओनली ग्रेट बट सम हिस्टोरियन बिलीव दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग मुगल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट अकबर द सन ऑफ हुमायूं हु वॉज बॉर्न इन अमरकोट सिंध। बड़ी मुश्किल हालात में उसकी पैदाइश भी हुई और ब्रॉटअप भी हुई। स्टूडेंट्स ये मैप आप देख रहे हैं, ये शेर शाह सूरी के दौर का मैप है। ये जो आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है ये सारी शेर शाह सूरी की एम्पायर थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान का एरिया जो है वो शामिल है, मुल्तान का इधर से, और ये रावी सुतलज ब्यास रिवर आपको नज़र आ रहे हैं, दिल्ली दिस इज पानीपत। ओके
फेमस हिस्टोरिकल बैटल फील्ड है पानीपत जो है। और इधर से आगे आप देखें उज्जैन, ग्वालियर, और इधर ईस्ट से ये बंगाल तक का एरिया प्रेजेंट डे जो था, ये सारा शेरशाह सूरी की उसमें शामिल था। ओके, दिस इज द टोम मेजोलियम ऑफ शेरशाह सूरी। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देखें एक पानी का तालाब है, पौंड है आसपास, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये बिहार में है, वहाँ पर शेरशाह सूरी को दफन किया गया है। और बड़ा खूबसूरत वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ कंस्ट्रक्शन है आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं एक्टिविटी देने से पहले आपको जो है वो आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज में फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है वो भी आज के टॉपिक में हम कर लेते हैं, उनको करेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है ये एक्सरसाइज में है, राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ये मैंने राइट करके इनको राइटिंग लिखा हुआ, करेक्ट करके लिखा हुआ। बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोधी, नॉट मोहम्मद लोधी। ओके, हुमायूं डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेग। हुमायूं प्लेग से नहीं मरा था, हुमायूं डाइड आफ्टर द फेल डाउन, आफ्टर ही फेल डाउन द स्टेयर ऑफ लाइब्रेरी इन दिल्ली। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस, यस इट इज करेक्ट, बट द ईयर्स आर नॉट करेक्ट। 1523 एंड 1532, नॉट ट्वाइस इन 1539 एंड 1540 में दो दफ़ा शिकस्त दी थी, ये ईयर सही है। राजपूत स्टार्टेड गोरिला वारफेयर इन द दक्कन, दक्कन में राजपूत ट्राइब नहीं थे बल्कि मरहट्टा स्टार्टेड गोरिला वारफेयर इन दक्कन, जिन्होंने औरंगजेब के दौर में दक्कन में मुगल एम्पायर के खिलाफ जो है वो फाइट कर रहे थे मरहट्टा जो है। बाद में जब मुग़ल बिकर मुग़ल आए, मुग़ल कमज़ोर हो गए औरंगजेब आलमगीर के बाद, तो मराठा जो थे ये एक बड़ी पावर बन गए। आखिर पानीपत की तीसरी बैटल में, थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली ने 1761 मेरा ख्याल, तो उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को शिकस्त दी थी। हु वाज़ द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, ही वाज अहमद शाह अब्दाली केम इन इंडिया टू फाइट अगेंस्ट मरहट्टा ऑन द कॉल ऑफ शाह वलीउल्लाह। लास्ट वन जी, औरंगजेब फॉट लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स अगेंस्ट द राजपूत ऑफ इंडिया। औरंगजेब फॉट लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स अगेंस्ट द मरहट्टा ऑफ साउथ इंडिया, मरहट्टा के खिलाफ उसकी बड़ी लंबी जंगें जारी है। ओके स्टूडेंट्स, मुगल एम्पायर में ये चैप्टर आपने मुगल एम्पायर के बारे से डिस्कस किया। मुगल एम्पायर 1526 से 1857 तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रही, लेकिन ग्रेट मुगल जिसने इस को कंसोलिडेट किया वो 1526 से 1707 तक थे। जहीरुद्दीन बाबर वॉज फर्स्ट, नसीरुद्दीन हुमायूं वॉज सेकेंड, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज थर्ड, नूरुद्दीन मोहम्मद जंगीर वाज फोर्थ, शहाबुद्दीन शाहजहान वाज फिफ्थ, एंड औरंगजेब आलमगीर वाज सिक्स। इन्होंने अपनी एम्पायर को स्ट्रॉन्ग भी किया और एक्सपेंशन की, इसमें इसकी इकोनॉमी को बेहतर बनाया, बड़े ग्रेट स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर्स की में बड़ी इम्प्रूवमेंट उन्होंने की। बहुत सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर में स्किप कर दिए हैं रिड्यूस सिलेबस के तहत, लेकिन आपने रीडिंग जो है वो सब की करनी है ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो सब कंटिनेंट की हिस्ट्री में डेवलप हो। ये मुग़ल एम्पायर का जो मैप है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। औरंगज़ेब के दौर में लार्जेस्ट एक्सटेंशन थी काबुल से लेकर आप देखें दक्कन तक का एरिया जो था वो मुग़ल के कब्जे में था।
एक्टिविटी स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर नंबर 30 की आपके पास है कि एक तो आपने रीडिंग करनी है पेज 77, 78 और 79 की। राइट एंड लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इन लिस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी टुवर्ड्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ हिज एम्पायर। ये स्टूडेंट्स, आपने हमने जो टॉपिक पढ़ा है, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ कि इसका आंसर कहाँ है। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, रूल ऑफ शेरशाह सूरी, ये उसकी सारी कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है। आपने इसको ऐसे बॉक्स नहीं बनाने, बल्कि ऐसे पॉइंट की सूरत में लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और इसके बाद ये वाला पैराग्राफ भी इसके साथ जो है वो अटैच कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और जो आपने ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट थी उनको ट्रू करके लिखा था, करेक्ट करके लिखा था, ये वाली, ये आपने लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। ये आज के इस वीक का आपका एक्टिविटीज़ हैं। ये चैप्टर नंबर 5 जो है, इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आप यूट्यूब चैनल के ऊपर ये हमारा सारा सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के दे सकते हैं, मेरे सब्जेक्ट के भी, और इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज है, वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की क्वेश्चन या मैं प्रॉब्लम पेश आ रही है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी फ्रॉम मी, फेसबुक के ऊपर भी, आप व्हाट्सएप पर भी जो है वो मेरी मुझसे कोई क्यूरी पूछ सकते हैं, कोई वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज सेंड करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।